हर हर महादेव। कई लोग संस्था पर, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर या हमसे पर्सनल प्रश्न करते हैं या फोन करते हैं, तो ये पूछते रहते हैं। बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा है कि क्या आप कथा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आपकी जीविका का साधन क्या है। तो देखिए, इन उन सभी लोगों को मैं बतलाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और अपना विचार भी रखना चाह रहा हूँ। आप लोग देखें, जो कि ये विचार शास्त्रीय है कि यहाँ मुख्य रूप से मैं अभी अध्ययन करता हूँ और गुरुजी के निर्देशानुसार उन्हीं के सान्निध्य में विद्यार्थियों को वेद, व्याकरण, कर्मकांड, धर्मशास्त्र और कुछ ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ। जीविका के लिए कोई अनुष्ठान, जप, पाठ, पूजा जो भी यहाँ वृंदावन में ही मिल जाती है, तो प्रायः वृंदावन में ही रह करके जो इसके अधिकारी हैं उनके लिए यथामति विधिपूर्वक यहाँ अपने यहाँ आश्रम में ही अपने निवास पर ये संपादित करते हैं। बाहर न जाने का उद्देश्य यही है कि जिन विद्यार्थियों का हम जो है अध्यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, वो सब विषय छूट जाता है, समय छूट जाता है, तो फिर बहुत जो है भगवत कृपा से समय मिलता है तो पढ़ने पढ़ाने का, तो वो न छूटे इस दृष्टि से प्राय वृंदावन में ही रहते हैं, बहुत कम बाहर जाते हैं। हालांकि गृहस्थ हैं तो परिवार को चलाने के लिए वर्तमान में जो है धन की आवश्यकता रहती ही है, आप समझते ही हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि बहुत संग्रह की प्रवृत्ति हो। इस दृष्टि से भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि ये जो है हमको इससे बचा करके रखें कि ज़्यादा उसमें प्रवृत्त ना हो, अपना वो गृहस्थ आश्रम चलता रहे, बस इतना ठीक है। हालांकि हम कथा भी करते हैं, कई कथा हमने की हैं और कई कथा छोड़ भी दी हैं। कारण क्या है कि महिलाओं से, स्त्रियों से हवन नहीं कराते हैं, क्योंकि शास्त्रों में निषिद्ध है। जो अनधिकारी हैं उनको मुख्य यजमान बना करके भी कथा आदि का आयोजन नहीं रखा जा सकता, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ऐसे लोग वे अपने उपरोहित को मुख्य श्रोता बना करके और कथा श्रवण करें, ऐसा भी नहीं करते। इस दृष्टि से भी हमारा जाना नहीं होता। कई जगह शहरों में, गांवों में कुछ माताएं मान जाती हैं कि भाई हम हवन नहीं करेंगे, आपको हवन नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि शास्त्रों में निषिद्ध है, तो वे मान जाती हैं। पर बाजार में ये कुछ थोड़ा बहुत ये कई गुरुओं के चक्कर में पढ़ करके, टीवी में और मोबाइलों में देख करके वे अशास्त्रीय कृत्य में प्रवृत्त होती ही हैं। अर्थात बोले हमारी बहन जी ने, उनके यहाँ हुआ था, वो हमारे गुरुजी सब स्त्रियों से हवन कराते हैं, आप कोई ऐसे हैं, उनका ये प्रश्न रहता। अर्थात उन्हें हवन भी करना होता है और किसी किसी को तो दीक्षा भी लेनी होती है, जो कि शास्त्र में निषिद्ध है। पतिरेका गुरु स्त्री नाम, पतिरेको गुरु स्त्री नाम, माताओं का, पत्नियों का, उनका पति ही गुरु है, तो इस दृष्टि से उन्हें दीक्षा न देना, अनधिकारियों के यहाँ जा कर के कथा न करना, माता बहनों से हवन न कराना। आजकल ज़्यादातर कमेठी वाले लोग कथा करते हैं, जो अशास्त्रीय विधि से चंदा करते हैं, सब जाति का चंदा लेकर के और अपने हिसाब से उसको जो है व्यय करते हैं, और बाजार में भी लोगों को अपने गोत्र का ही पता नहीं है, जाति का ही पता नहीं है, अंतर जातीय विवाह किया हुआ है, कई जो है उपनयन तो हुआ ही नहीं है लोगों का, तो ऐसे लोगों के यहाँ फिर कथा करना और वो भी उनके नियमानुसार करना, ऐसे लोगों के यहाँ भी कथा अगर हो सकती है, परंतु वे लोग उस नियम का पालन करें, अपने पुरोहित को या किसी ब्राह्मण को, योग्य को मुख्य यजमान बनाएं, माने पूजन हवन पाठ वो करें, नाम अपना भले ही लिख लें वो कि भाई हम यजमान हैं, हम जो है करता हैं, परंतु वे उस पूजन के अधिकारी नहीं हैं।
तब ऐसा हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं होता। गांव में भी बहुत ज़्यादा चंदा की कथा होती है, जो मैं अपने व्यवहार में आ चुका है, जिनको मैं छोड़ चुका हूँ, जो हमारे बार कई बार ये घटना हो चुकी है, उनकी जो है चर्चा कर रहे हैं। स्वयं हमारे गांव में भी ऐसा हुआ और होता है और कई गांवों में, कि जो है चंदा होता है, फिर जो ज़्यादा पैसा दे देता है उसको मुख्य यजमान बनाते हैं। वो चाहे किस जाति का या अधिकारी या अनधिकारी हो, इसकी परवाह नहीं करते, तो इस दृष्टि से होती हैं। तो प्रायः अयाज्य याजन से बचने के लिए और निषेधों का परिपालन करने के लिए, ये जो शरीर ही है, इस दृष्टि से वर्तमान में यज्ञ अनुष्ठान कथा जप तप नहीं हो पाते हैं, तो बहुत ही कम होते हैं। तो परंतु हाँ, कोई यदि अधिकारी है और यदि वो चाहता है तो विधिपूर्वक तो कथा भी होती है, यज्ञ भी कराते हैं, प्रतिष्ठा इत्यादि कृत्य ये सब होते ही हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूँ तो वे तो हम कर ही सकते हैं इस तरीके का। और संस्था के लिए विशेष रूप से हम ये जो है नियुक्त गुरुजी के द्वारा किए गए हैं, ये जगत गुरु शंकराचार्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नाम से जो हमारी संस्था है, तो शंकराचार्य जी के जो सिद्धांत है उनका और शास्त्रीय जो सिद्धांत मुख्य रूप से उनका छोटे छोटे रूप में हर व्यक्ति के पास निर्देश पहुंचाना, क्या विधि है क्या निषेध है, इसका भी परिपालन करें। कुछ कार्य संस्था वाले लोग भी ये कार्य करते हैं, उन लोगों का भी कहना है। संस्था में भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, यद्यपि उनकी आवश्यकता है, बहुत से कार्य हैं, तो यहाँ केवल हम ही आचार्य नहीं, और भी कई योग्य आचार्य हैं, उनको भी यहाँ निमंत्रण दिया जाता है, कहा जाता है, परंतु अभी संस्था के पास उनको कुछ देने के लिए शुल्क नहीं है, इसलिए भी कई आचार्य लोग या उनकी इच्छा नहीं है, तो और कई भी कारण हो सकते हैं जो कि वे इसमें अभी ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, यद्यपि उनको बुलाने की और उनसे भी शास्त्र के अनुसार वक्तव्य देने की कई बार प्रार्थना हम लोगों ने भी जा कर के की है। तो ज्योतिष का किसी ने पूछा था, आप कुंडली बनाते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, वो भी करते हैं, ज्योतिष भी बतलाते ही हैं, परंतु आजकल तो नक्षत्र सूचियों का ज़्यादा जो है क्रम चल रहा है। आप देखें कथा कौन कर रहे हैं, जो कथा के अनधिकारी है। ज्योतिषी का कार्य कौन कर रहे हैं, ज्योतिष का कार्य कौन कर रहा है, जो उसके अनधिकारी है, क्योंकि लोगों को वो ही पसंद है। तो जो विवेकी नियम का पालन करने वाला या जो अधिकारी अनधिकार की चर्चा करने वाला परिपालन करने वाला, वो उसको कोई पूछेगा ही नहीं। जो सभी जाति एक है ना, सब लोग जो है हम जाति को नहीं मानते हैं, या जो है कर्मणा जाति मानते हैं, और जो चाहे जिसके यहाँ चाहे कुछ कर लेते हैं, चाहे जिसके यहाँ चाहे जो खा पी लेते हैं, ऐसे लोगों का बोलबाला है। चाहे जो बोल देते हैं, मनगणन तो बोल रहे हैं वक्ता लोग, मनगणन तो आचरण कर रहे हैं, और ये जो तथा कथित कहलाने वाले ये जो बाबा जी लोग हैं, इन लोगों का चल रहा है। तो ये देखिएगा, तुलसीदास जी ने जो कहा है कि कलयुग के वक्ता कैसे होंगे, मन क्रम बचन लबार ते वक्ता कल काल महु। जो मन से झूठे, लबार माने झूठे, वैसे लबार शब्द का प्रयोग जो है अवधि भाषा में उसमें होता है जौकरी में, जो जौकर होता है, जो विदूषक जिसको कहते हैं, मस्करा, उस रूप में ही लवार शब्द का। तो जो ये जौकरी का काम करने वाले जो लोग हैं, वे लोग मन से भी, वचन से भी और आचरण कर्म से भी, मन क्रम वचन लवार ते वक्ता कलिकाल मह, तो ऐसे वक्ता कलिकाल में होते हैं और हो रहे हैं, उनकी ही उन्नति हो रही है। और ये जो है तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तुलसीदास जी जैसा कहते हैं, तपसी आजकल देखिए बाबा जीओं का कितना कितना आश्रम है, और तो छोड़िएगा, हम वृंदावन की चर्चा करते हैं, एक एक बाबा जी के पास ऐसा ऐसा जो है व्यवस्था है, ऐसी ऐसी उनके पास में जो स्थिति है कि पूरे वृंदावन को खरीद लेंगे, किसी बड़े शहर को खरीद सकते हैं और उसका विधिवत परिपालन भी कर सकते हैं, इतनी उनके पास व्यवस्था है। और बहुत से गृहस्थ ऐसे हैं कि ये जो है उनके
दो वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, कारण ये कलयुग का जो है तांडव भी है। तो इस दृष्टि से किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, आप समझ जाएं कि लोगों की भी इच्छा नहीं है, वो लोग नहीं चाहते कि हमारा कृत्य शास्त्रीय विधि से हो, वे अंदर से इच्छा प्रकट करते हैं कि बाहर से करते भी जाने, परंतु इच्छा रखते हैं कि कार्य शास्त्रीय हो जाए, क्योंकि वो पुरुष तो उसी परंपरा में भाई भगवत तत्व है सभी का, सब लोग ऋषियों की संतान है, लेकिन जो सुनाओ कि ऐसा 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 करना पड़ेगा ऐसा, तो बस फिर लौट जाते हैं, अरे ऐसा नहीं हो सकता, छोटे से छोटे काम को विधि रूप में नहीं कर सकते, वो करते हैं अपने नाम के लिए और अपनी जो है ख्याति इत्यादि हो जाए और हम कहे वैसे काम हो, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार शास्त्र जैसे कहें वैसा नहीं कर सकते, इसलिए भी कई कार्य हैं। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अपना जो है चलता रहे भोजन पानी इत्यादि बस, और कोई संग्रह की ज़्यादा अपेक्षा नहीं, ब्राह्मणों को तितिक्षु होना चाहिए, ब्राह्मण से देहोयम शुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च, ब्राह्मण का ये जो शरीर है वो यहाँ धन कमाने के लिए यश कमाने के लिए नहीं, तप के लिए होता है, वो भी कृच्छ्राय कठिन से कठिन तपस्या के लिए होता है, और बस इस तरीके से अपना जीवन तपोमय बना करके वैदिक विधि से जीवन जीने के बाद प्रेत्यानंत सुखाय च, और जब प्रेत्य बाद में जब जो शरीर छोड़ करके जाता है तो भगवत धाम में ऊर्ध्व लोकों में उसकी स्थिति होती है, ऐसा आचार्यों का ऋषियों का कहना है। तो इसके अनुसार जितना अपना जो है शरीर से मन से वचन से बन जाए उतने सत्कर्मों का ही चिंतन करना है और उनका परिपालन करना है, ऐसा निश्चय करना है। हमारे पूज्य गुरुदेव के कथनानुसार जो है कि जब तक व्यक्ति सरकारी नौकरी का लोभ नहीं छोड़ेगा तब तक वो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, ये विचार करके सन 2012 में ही मैंने सरकारी नौकरी का इरादा छोड़ दिया, प्रयास भी नहीं किया, और आप लोगों की दया से पूज्य गुरुदेव का ये आशीर्वाद है। यद्यपि मैं तो एक गांव का रहने वाला और अभी भी बहुत तुच्छ प्राणी हूँ जिसको कुछ याद भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा अच्छे आचरण भी नहीं है, ये हमारी स्थिति है, और उन्हीं के आदेश का मैं ये पालन करता हूँ और उनकी कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे और संस्कृत में जो है निष्ठा बनी रहे, धर्म में निष्ठा बनी रहे, और विद्यार्थियों को इसी प्रकार अध्यापन कराता रहूँ और भगवान का चिंतन करता रहूँ, ऐसी भगवान से ईश्वर से गुरु से वेदों से और आप सभी से प्रार्थना है कि ऐसा आशीर्वाद दें। हर हर महा